periodic table metal in nature in decreases from left to right. ठीक है, और नेक्स्ट सर ये भी हमने पढ़ा था। अच्छा, ये प्रायोरिटी टेबल आपके पास, प्रायोरिटी टेबल देखो कॉपी के फर्स्ट पेज पे होना चाहिए जरूर। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देन फिर हम अपने जो रिमेनिंग पॉइंट है हम उस पर चलेंगे। जस्ट वेट, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास देखो ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं हमारे पास, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, बिट्स एंड डेथ। उसके बाद कौन सा ग्रुप स्टार्ट होता है हमारे पास, ये ट्रांजिशन मेटल से। फिर हमारे पास आ जाता है ग्रुप नंबर थर्ड। ग्रुप थर्ड की वैलेंसी क्या होती है, इसकी वैलेंसी क्या होती है ग्रुप थर्ड की सर? प्लस थ्री। साबर्स प्लस थ्री, आपने लिख लेना है प्लस थ्री। फिर ये मैंने बताया था ग्रुप फोर की वैलेंसी प्लस फोर होती है या माइनस फोर होती है। ग्रुप फाइव की वैलेंसी क्या होती है, माइनस थ्री। ग्रुप सिक्स की माइनस टू। ग्रुप सेवन की माइनस वन एंड ग्रुप एट की जीरो। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी टेबल आपके पास होना चाहिए और ये सारी वैलेंसीज आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास जो था वो क्या था, टॉप टू बॉटम हमारी रिएक्टिविटी क्या होती है अल्कली मेटल की, इंक्रीज हो रही है। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा था हमारे पास, ये साइज ऑफ द एटम्स क्या हो रहा था हमारे पास, इंक्रीज हो रहा था। इसलिए हमारी रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, इसकी मैंने दो एग्जाम्पल्स आपको करवा रहा था। मैंने लिथियम लिया था, लिथियम एटॉमिक नंबर थ्री। फिर मैंने एक एग्जाम्पल और लिया था, एक एटम सोडियम। फिर मैंने एक थर्ड लिया था पोटेशियम। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमने ये पढ़ा है कि हम डाउन द ग्रुप अब जाते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती। क्यों इंक्रीज होती है, इसकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन भी आपको सिखाई थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या है इसका, टू वन, टोटल नंबर ऑफ सेल दो है, इसके टोटल नंबर ऑफ सेल टू एट एंड वन थ्री है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल क्या है, टू एट एट एंड वन। तो ठीक है, ये बात समझ, नंबर ऑफ सेल तीन है। हमें पता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज होती है, जब भी हमारे पास न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये मैं बना रहा हूँ ब्लू सर्कल, इट शोज द न्यूक्लियस। ये हो गया लिथियम का न्यूक्लियस, ये हो गया सोडियम का, और ये मैंने बना दिया पोटेशियम का न्यूक्लियस। ठीक है, अब हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या चीजें होती है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है। प्रोटॉन भी क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ लिथियम, लिथियम में एटॉमिक नंबर थ्री है तो इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे, तीन प्रोटॉन। प्रोटॉन भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो मैं सिर्फ थ्री पॉजिटिव लिख रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह सोडियम में कितने प्रोटॉन होंगे, अलेवन प्रोटॉन। तो मैंने क्या लिखा, अलेवन पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस के अंदर वो 11 होगा, क्योंकि 11 प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए मैं शो नहीं कर रहा हूँ अभी, मुझे न्यूट्रॉन को कोई काम नहीं है। अब पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 19 होता है। ठीक है, तो इसके अंदर कितने हो गए, 19 प्रोटॉन। अब इसके नंबर ऑफ सेल देखो, फर्स्ट सेल सेकेंड सेल, इसमें क्या है नंबर था, वन टू थ्री, इसमें टोटल नंबर था वन टू थ्री एंड फोर, राइट? सो फर्स्ट सेल हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स, एंड आउटर सेल ओनली वन। इसके फर्स्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में एट और लास्ट में वन। इसके फर्स्ट में टू एट एट एंड वन। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स भी क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमें एक बात पता है,
प्रोटॉन भी क्या होता है पॉजिटिव, तो अ पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी कि दो डिफरेंट चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन भी होंगे नेगेटिव चार्ज होता है। अब हमें ये क्या स्टेबल फॉर्म में लिथियम, लिथियम स्टेबल नहीं है, इसका आउटर शेल स्टेबल नहीं है, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ 7 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को फर्दर देता नहीं है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कहाँ से करेगा, इनर शेल से करेगा या आउटर शेल से करेगा, आउटर शेल से करेगा। मैं सिर्फ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के चार्ज को शो कर रहा हूँ नेगेटिव से, ठीक है, क्योंकि जहां से लूज करेगा, बाकी इस पे भी दो नेगेटिव चार्ज होंगे, आउटर शेल में एक नेगेटिव चार्ज, इसमें फर्स्ट शेल में 2 नेगेटिव चार्ज, सेकंड में 8 नेगेटिव, एंड थर्ड वन पे ओनली 1 नेगेटिव चार्ज, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ मैं आउटर शेल को शो कर रहा हूँ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से लूज करेगा। अब देखो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही बिटवीन दिस, ना पॉजिटिव है प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रोटॉन क्या कर रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा, ये भी क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब पता है आपको केमिकल रिएक्शन कब होता है, फैन केमिकल रिएक्शन जकर वन बाय वन, जिसको पता है एक एक करके बताए केमिकल रिएक्शन कब होता है, हरी अब जल्दी बताओ। देखो केमिकल रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है, अदरवाइज केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और लॉस करेगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है तो केमिकल रिएक्शन फॉर्म होता है। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, ये सब बातें आप लोग नोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन, अब इसको केमिकल रिएक्शंस करने के लिए लिथियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, सोडियम को भी लूज करना है, पोटेशियम को भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। जब अब बताओ सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन किस में आ रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग किस में, ये अपने माइक सर, लिथियम, लिथियम स्ट्रॉन्ग है, शाबाश। इसमें क्या है, वीक है, इसमें क्या है, वीकेस्ट है। तो ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, लिथियम करेगा, सोडियम करेगा या पोटेशियम करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, पोटेशियम, पोटेशियम ज्यादा, पोटेशियम, बिकॉज यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है हमारा, वीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है हमारा, वीक हो रही है, इसलिए ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो ये ज्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा, इसलिए टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होती है हमारे पे, इंक्रीज होती है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल और नंबर ऑफ साइज ऑफ द एटम क्या हो रहे होते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं, तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए सर। जी बोले सर, आउटर शेल जितना फर्दरेस्ट होगा उतने वीक होगी, उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी। कभी आपने मैग्नेट से खेला है, आप दो मैग्नेट लेते हैं, अगर इसको क्लोज करते हैं तो आप देखते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, अट्रैक्शन बढ़ जाती है, अब मैग्नेट को दूर करते हैं तो अट्रैक्शन क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो इसीलिए जितने ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, वीक होना शुरू हो जाएगी, इसलिए ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा आउटर सेल का और ये ज्यादा जल्दी रिएक्शन कर लेगा। क्लियर, ओके सर, यस सर, एनी प्रॉब्लम, कॉपी करें इसको। ओके सर, कर लियो। डन ऑल ऑफ यू, या फिर यस सर, सर दो मिनट सर, ये लास्ट वाला रह गया। ओके
सर डन गुड ओके नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या था जो हमें डिस्कस करना था देखो इसके अलावा ये मैंने बताया था इसकी डेंसिटी क्या होती ग्रुप वन मेडल्स की अल्कली मेडल्स की वो क्या होती लेस डेंस इन वाटर होता है इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है ये फ्लोट कर रहे होते हैं ओवर द वाटर ठीक है ये वाटर में तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा अगर आपको ये पॉइंट आपने याद रखना है ये पॉइंट आपने याद रखा तो आपसे जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा वो कुछ फिर से पूछेगा आपको ये बीकर दे दिया इस बीकर के अंदर आपको दो एक वाई शो कर दिया और एक एक्स एटम शो कर दिया ठीक है ये दो चीजें शो कर दी और इस बीकर के अंदर वाटर फिल है ये क्यों करके वाटर आपको दे दिया ना लाइक दिस अब पूछेगा वाई इट बिलोंग टू इन व्हिच ग्रुप वाई किस ग्रुप से बिलोंग करता है सॉरी एक्स किस ग्रुप से बिलोंग करता है तो हमें हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि ग्रुप वन के मेटल्स होते हैं वो वाटर के वाटर से जो इनकी डेंसिटी होती है वो कम होती है वाटर के ऊपर रहते होते हैं इनसे ग्रुप वन से बिलोंग करता है बात समझ में आ गई क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास एक मैं छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको दो एलिमेंट दे दिए एक एक्स दे दिया है और एक y दे दिए तो आपसे ये पूछ रहा है कि x किस ग्रुप से बिलोंग करता है हमें कैसे पता किस ग्रुप से कुछ भी नहीं दिया सिर्फ वाटर और ये दिया हुआ है लेकिन हमने एक प्रॉपर्टीज ये पढ़ी थी कि जो ग्रुप वन के मेटल होते हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है वो क्या होती कम होती वाटर से तो ये वाटर के अंदर तो जा नहीं जा सकते हैं y ग्रुप वन का नहीं है हमसे x का पूछा तो x किस से बिलोंग कर रहा है ग्रुप वन से बिलोंग कर रहा है अल्कली मेटल से बात समझ में आ गई नहीं आई तो दोबारा बताओ एनी प्रॉब्लम सर एक दफा दोबारा बता दे हमने एक्स को कैसे फाइंड किया देखो अगर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी बेटा अल्कली मेटल्स की तो हमने अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये थी इसकी कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है दे आर लेस डेंस देन वाटर दे फ्लोट ओवर द वाटर यानी कि वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं ठीक है जो ग्रुप वन के मेटल्स होते हैं वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं आपको एक डायग्राम दे दिया एक्स और वाई अब आपसे पूछ रहे हैं एक्स किस ग्रुप से बिलोंग करता है हमें क्या पता है एक्स किस ग्रुप से बिलोंग करता है ना पीरियोडिक टेबल में ना कुछ है तो हम कैसे बताएंगे लेकिन हमें प्रॉपर्टीज अगर पता है ग्रुप वन के मेटल्स की तो हमें ये प्रॉपर्टीज पता है कि अल्कली मेटल की डेंसिटी वाटर से कम होती है और ये वाटर के ऊपर रहता है तो हमने देखा एक्स कहाँ पर है ये वाटर के ऊपर है यानी इसकी डेंसिटी तो ये अल्कली मेटल हो गया ठीक है सर क्लियर जी सर ओके इसके बाद और क्या पॉइंट है फिरत नेक्स्ट पॉइंट और ये सॉफ्ट मेटल होते दे कैन बी कट विथ नाइफ यानी जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं बाकी जो मेटल्स होते हैं जिस तरह से आपके ऊपर ट्रांजिशन मेटल आयरन अभी हम ट्रांजिशन मेटल्स पढ़ेंगे तो आयरन होता है जो आपके घर की जो विंडो की ग्रिल होती है या डोर का फ्रेम बनाते हैं वो आयरन का होता है इनके देखो ये क्या होता है हार्ड मेटल होते हैं लेकिन जो ग्रुप वन के मेटल्स होते हैं ना अल्कली मेटल्स होते हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं इसको आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं इतने सॉफ्ट होते हैं फिर हमने इसके बाद एक पॉइंट और पढ़ा था दे कैन बी कट विथ नाइफ हम इसे नाइफ से भी वो इसके बाद जो पॉइंट था वो हमने पढ़ा था दे स्टोर इन द ऑयल इससे हम कहाँ स्टोर करते हैं ऑयल में स्टोर करते हैं बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव मेटल दे कॉन्टेक्ट विद एयर देन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड ठीक है अभी इसके हम रिएक्शन कर लेते तो ये बात समझ में आ जाएगी एनी प्रॉब्लम आगे चले एनी क्वेश्चन एनी वन नो सर नो सर नो सर नो सर अब आप लोग हेडिंग डाले रिएक्शन ऑफ ग्रुप वन हेडिंग डालेंगे रिएक्शन ऑफ ग्रुप वन एंड ग्रुप टू दोनों साथ कर लो दोनों के रिएक्शन साथ करवा देता हूँ ग्रुप वन ग्रुप टू सिमिलर वे में तो ऐसे है ना रिएक्शन ऑफ ग्रुप वन एंड ग्रुप टू नंबर वन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन नंबर वन क्या है हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन
डन जी सर। ओके देखो ये रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था कौन कौन से एटम्स हैं जो डायटॉन्ग में एग्जिस्ट करते हैं। अगर नहीं पता तो आप लोग कॉपी में लिख लें, एक पेज में बड़ा बड़ा करके लिखेंगे ताकि हमेशा आपको याद रहे, क्योंकि इसके बगैर आप आगे केमिस्ट्री के रिएक्शन बैलेंसिंग इक्वेशन बैलेंसिंग कर नहीं सकते। हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन डायटॉमिक फॉर्म, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन डायटॉमिक फॉर्म, ऑक्सीजन एंड ग्रुप सेवन एंड ग्रुप सेवन दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायटॉमिक फॉर्म। ठीक है, अब ग्रुप सेवन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमें पता है, एटम्स होते हैं हमें पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटीन। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ये याद होना चाहिए, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायटॉमिक फॉर्म, कौन कौन से ये, इसको आप लोग बड़ा बड़ा करके एक पेज पे लिखे, फुल पेज पे यह होना चाहिए। तो ये याद रखना कि ये हमेशा डायटॉन्ग मीन्स क्या होते हैं, एक से दो एटम, लाइक एच टू ये डायटॉमिक, डाई मीन्स दो होता है, इसी तरह ओ टू है, ओ है तो ये मोनोटॉमिक है, यहाँ टू लगा दिया तो क्या हो गया डायटॉमिक। नाइट्रोजन है लाइक दिस तो ये क्या मोनोटॉमिक, मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स क्या होता है हमारे पास, डाई मीन्स क्या होता है टू होता है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया टू लगा दिया, डायटॉमिक हो गया। ठीक है, अब बाकी जितने भी एटम्स होते हैं ना वो मोनोटॉमिक कहते हैं, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और इसके अलावा जितने ले लो सल्फर हो गया, सारे के सारे मोनो में एग्जिस्ट करते हैं, बट जो मैंने अभी लिखवाया ये किस में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, डायटॉमिक में। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारा क्या था, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑब्लिगेट व्हेन ग्रुप वन एंड ग्रुप टू मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और आई रिपीट अगेन, व्हेन ग्रुप वन और ग्रुप टू मेटल रिएक्ट विद एयर और ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। When group 1 and group 2 metal react with air or oxygen, then it forms metal oxide. Then yes sir, done. All of you will pen group and yes sir metal react with air or oxygen then form metal oxide। तो एक पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था ना, हम इसे ऑयल में क्यों स्टोर करते हैं, तो ये उसका रीजन है, ऑयल में इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि जब हम इसको एयर में रखते हैं तो एयर में क्या होता है ऑक्सीजन होता है, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं, मेटल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता। Suppose for example we take the example, simple example we take the sodium, sodium है इसको आपने बाहर रखा तो बाहर क्या चीज़ होती है हमारे पास ऑक्सीजन है, then forms क्या बना लेगा metal oxide बना लेगा, means sodium oxide form कर लेते। ठीक है, देखो sodium है, sodium के साथ oxygen है, अब oxygen सिर्फ single होता है ना individual, यहाँ पर किसी के साथ attach नहीं होता तो हम उससे oxygen पढ़ते हैं, लेकिन अगर किसी atom के साथ आ जाए तो उसे क्या पढ़ेंगे, फिर हम ऑक्साइड पढ़ेंगे। तो यहाँ भी क्या हो गया, इसके क्या नाम है सोडियम, और ये क्या हो गया, ये अलग नहीं है तो ये किसी एटम के साथ सेम क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड पढ़ेंगे, तो इट्स कॉल्ड सोडियम ऑक्साइड।
क्लियर। तो अब देखो सोडियम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, जैसे सोडियम है ना यहाँ पे देखो सोडियम, ये प्योर सोडियम है, यहाँ पे आगे सोडियम नहीं रहा, सोडियम ऑक्साइड हो गया, हमें सिर्फ सोडियम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम इसे किसमें स्टोर करते हैं, ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं। बात समझ में आ गई? जी सर। शाबाश, गुड। अब आ जाओ मेन जो है हमारे पास वो इक्वेशन बैलेंसिंग है। इक्वेशन बैलेंसिंग के लिए आपको वैलेंसी पता होने चाहिए। सबसे पहले मुझे बताओ सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है सोडियम? सर मैं बताऊं? या फिर बताएंगे, या फिर जी सर सोडियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है, सोडियम की वैलेंसी क्या होती है बेटा? सोडियम ग्रुप वन से। और तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? या फिर कब से कह रहा हूँ ग्रुप वन की वैलेंसी पॉजिटिव वन होती है बेटा, क्या हो गया? अब ये कल नेक्स्ट क्लास तब तुम्हें वैलेंसी याद होनी चाहिए। इसकी वैलेंसी क्या होगी? पॉजिटिव वन। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है आयशा अशफाक? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? हरी अब यस कर, जल्दी बताएं मुझे सर। माइनस टू। शाबाश, वेरी गुड। इसकी वैलेंसी क्या होती है? माइनस टू होती है। ठीक है, तो यहाँ एक ऑक्सीजन की अगर प्रायोरिटी टेबल में देखेंगे हम तो माइनस टू होती है, लेकिन हमारे पास यहाँ कितने ऑक्सीजन है? दो है, तो टोटल वैलेंसी क्या हो गई हमारे पास? माइनस फोर हो गई। क्लियर, यहाँ तक किसकी बात समझ में आ गई? अब देखो हमेशा इनका सम क्या होना चाहिए, इनका सम जो होना चाहिए ना वो जीरो आना चाहिए। वैलेंसी का सम हमेशा क्या आना चाहिए हमारे पास? इक्वल आना चाहिए, दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। और ये कहाँ पे आज इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जीरो नहीं आ रहा सम, यहाँ पे पॉजिटिव वन है, यहाँ पे माइनस फोर है, तो पॉजिटिव वन माइनस फोर आंसर इज माइनस थ्री। आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? माइनस थ्री। माइनस थ्री आ रहा है ना, तो हमें सम क्या करना है? जीरो लेकर आना है, जो ऊपर जीरो है ना हमें वो लेकर आना है। तो हम क्या करें, यहाँ पे कितने ऐड कर दो? फोर सोडियम ऐड कर दो। फोर वनजा, ये फोर इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? फोर वनजा फोर हो गया, प्लस फोर माइनस फोर, वैलेंसी के सम जीरो आ गया। यस सर। क्लियर है, वैलेंसी के सम अब क्या हो गया हमारे पास? जीरो हो गया। यानी कि अब हमारे अब केमिकल रिएक्शन हो सकता है, जब तक वैलेंसी के सम जीरो नहीं होगा केमिकल रिएक्शन फॉर्म नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब तब से एंड में क्या कर लो, अपने ये जो एटम है एलिमेंट है इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के लिए हमने देखा ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं? दो। और सोडियम कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे? फोर। और प्रोडक्ट साइड पे सोडियम कितने हैं? वन। और ऑक्सीजन कितने हैं? वन। अब एटम तो डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो हम क्या करें, ये टू हमने कोएफिशिएंट लगा दिया, टू लगाया तो ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए? दो हो गए, क्योंकि ये कोएफिशिएंट सबसे मल्टीप्लाई होगा, कोएफिशिएंट सोडियम से भी मल्टीप्लाई होगा, ये कोएफिशिएंट ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। यानी कि अब यहाँ पे दो सोडियम हो गए और दो क्या हो गया हमारे पास? ऑक्सीजन हो गए। क्लियर। अब देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे, क्या आगे सेम आ गए, बट सोडियम बैलेंस नहीं हो रहा। सोडियम रिएक्टेंट साइड पे कितने? फोर है, और प्रोडक्ट साइड पे कितने? टू है। तो एक काम करो, आप एक काम कर सकते हैं कि आप ब्रैकेट लगाओ सोडियम के ऊपर, क्या लगा दो, यूं ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे क्या लगा दो? टू लगा दो। तो सोडियम देखो टू 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 इंटू टू क्या हो गया हमारे पास? फोर हो गए। फोर जी सर। ठीक है, सोडियम भी बैलेंस और ऑक्सीजन भी बैलेंस, यानी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आया वो कुछ यूं आया, टू एन ए टू ओ, ये बन रहा हमारा। और रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? ओ टू प्लस फोर एन ए, यानी फोर एन ए ओ टू गिव टू एन ए टू, सोडियम ऑक्साइड। इससे बैलेंस हमने कर लिया।
एनी प्रॉब्लम? कॉपी करें इसे, सबको बात समझ में आ गई? यस सर। गुड, अब इसकी एक और एग्जांपल करते हैं और बात समझ में आ जाएगी। करवा दें। डन, जल्दी कॉपी करें। Yes, Peter. Done, sir. Very good. Next, done. We take the example of group 1 ke maine lete lithium react with oxygen. Oxygen, then it forms lithium oxide. ठीक है, हमने ये लिखा lithium react with oxygen, then it forms lithium oxide, metal oxide बना दिया। अब साद रिजवान, यस सर। ये बेटा, ये जो मैंने जर्नल लिखा है, इसमें कोई मिस्टेक हुई है मुझसे लिखने में? तो गलती मैंने कर दिया, इंसानों गलतियां तो हो जाती हैं, मुझसे बहुत सारी होती हैं। तो आप बता दें कोई मिस्टेक है, कोई जर्नल मिस्टेक? अभी हमने बैलेंस वगैरह कुछ भी नहीं किया सर, ऑक्सीजन का 2 भूल गया। वेरी गुड, ऑक्सीजन ऑलवेज इन डायटॉमिक फॉर्म, डू नॉट एग्जिस्ट इन मोनोटॉमिक फॉर्म। ये हमेशा किस में होगा? डायटॉमिक में होगा। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है। अब याद रहेगा साद रिजवान। अब आ जाओ, अब इनकी वैलेंसी को हम देखते हैं, इनकी वैलेंसी किसकी क्या है। हमें पता है इन वैलेंसी के सम हमें क्या लेकर आना होता है, 0। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करता है। एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 2। तो 2 ऑक्सीजन, टोटल वैलेंसी क्या होगी? -4। और लिथियम किससे बिलोंग करता है? ग्रुप 1 से। ग्रुप 1 की वैलेंसी क्या होती है हमारे पास? +1। ठीक है, वैलेंसी का सम तो 0 तो नहीं आ रहा, -3 आ रहा है। तो हम क्या करें, कोएफिशिएंट 4 लिख दिया हमने, तो 4 1 4। अब देखो सब बैलेंस हो गया, वैलेंसीज इक्वल हो गई। क्लियर? यस सर। अब एंड, यस सर। अब एंड में आके आपने क्या बैलेंस करना है, बैलेंसी काम हो गया, तो बैलेंसी को आपने हटा दिया, पेंसिल से वर्क करना है, फिर आप इसको हटा देंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, इसको बैलेंस कर लो प्रोडक्ट को। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए? 2। और लिथियम कितने हो गए? 2 4। लेकिन लिथियम प्रोडक्ट साइड पे कितने थे हमारे पास? 4 हो गया बैलेंस। Just any problem?